हेलो फ्रेंड्स, ज़ारा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 41, 42 यानी कि 41 और 42 साइज़ के हिसाब से ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगा। इसमें आपको पता चलेगा कि कितना आरमोल कितना तीरा लेंगे गले डीप के हिसाब से। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, वो नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इसका नाप समझ लीजिए, 41, 42। ये 41, 42 वो नाप होता है जो हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, और मेजरमेंट लेने के बाद जो हम लूप प्लस करते हैं जितना, और उसके बाद जो नाप तैयार आता है, जैसे कि आपका नाप तैयार आया 41 या 42 या 41.5 या 42.5। दोस्तों, इन दोनों नाप में जो मैं कटिंग सिखा रहा हूँ इस ब्लाउज में, दोनों में वर्क करेगी। यानी दोनों में आप इस हिसाब से कटिंग करके बनाएंगे तो आपका ब्लाउज ओके बनेगा, ठीक है। तो नाप लेने के लिए आप जो है इसकी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हमने नाप की वीडियो दे रखी है, उसके बाद ही आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आई लिंक पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको उसका नाप बता देता हूँ। ये नाप मेरा खुद का बनाया हुआ नाप है। जब आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, पहले तो लंबाई होती है वो है 15 इंच, इसमें मैंने खुद बनाई है। प्लेट लेंथ 10.5 इंच। बस्ट साइज 41, 42। तैयार नाप जैसा कि आपको अभी बताया है। स्लीव यानी कि बाजू 5 इंच की लंबाई, 13 इंच की गोलाई। बाइसेप्स आर्मोल ये दोस्तों आपका 14 इंच है, जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आप जब नाप मेजरमेंट वाली वीडियो देखोगे तो इस हिस्से को हम बाइसेप्स आर्मोल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा 14 इंच है। नेक जो है फ्रंट नेक 7 इंच हम लेके चलेंगे। अगर किसी कोई 7.5 भी पहनता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बैक गला 0 से 10 इंच के उसमें कितना तीरा रखते हैं वो आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि दोस्तों सारा तीरा का जो फॉर्मूला होता है बैक गले के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 इंच तक आपको बताएंगे। तीरा इसमें दोस्तों 15 इंच का हमने नापा है, मतलब अपने हिसाब से हमने रखा है, ठीक है। इसमें कोई भी नाप हो सकता है जब आप नाप लेंगे। और ये जो कटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको बैक गला बैक नेक 5 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लाउज की। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये कपड़ा लेना है आपको, ठीक है। ये कपड़े को आपको इस तरीके से बिछा लेना है जैसे हमने बिछाया है, और जो ओपन वाली साइड होती है, किनारी वाली साइड, आपको अपनी तरफ रखनी है। और इस तरीके से बिछाने के बाद इस पर हल्की हल्की आप प्रेस लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे हल्की हल्की प्रेस लगा लेता हूँ। प्रेस लगाने से दोस्तों एक कटिंग में फिनिशिंग अच्छी दिखती है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कपड़ा आप कटिंग करें बिना प्रेस के कटिंग कभी भी ना करें। जितनी प्रेस करके कटिंग करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग में आप इसे बना पाएंगे, अब कटिंग कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसे ऐसे रखें यहाँ पर सामने। अब देखिए, यहाँ नीचे आपको फुट्टा ऐसे रखना है, और फुट्टा ऐसे रखने के बाद आपको एक निशान लगाना है। ये निशान लग गया, उसके बाद जितना तुरपाई का फोल्ड चाहिए उस हिसाब से नीचे आप इसी तरीके से निशान लगा सकते हो। ये निशान लग गया। अब दोस्तों, लंबाई जैसे 15 इंच है तो आपको यहाँ पर 15.5 इस तरीके से रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक निशान लगा देना है जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ। अब दोस्तों, आपका बैक गला 5 के हिसाब से मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको जो आर्मोल लेंथ लेनी है वो लेनी है 6.5 इंच। उसके बाद दोस्तों डोट लेंथ, जो प्लेट लेंथ भी हम इसे कहते हैं, उसे डोट लेंथ भी कहते हैं, 10.5 है, तो हम यहाँ पे 0.5 इंच प्लस करके 11 पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद आपको ये सब निशानों को इस तरीके से चौक की मदद से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको फुट्टा इस तरीके से रखना होगा, और जो हम हुक और आई वाली पट्टी होती है ना, उसमें जो मार्जिन जाता है उसको आप इस तरीके से निशान लगा लें। ये निशान लगाने के बाद ये समझ लो आपका ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, वो स्टिचिंग वाली वीडियो आप देख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है, ये निशान लगाने के बाद यहाँ से आप देखिए जो डॉट लेंथ है, वहाँ से डॉट लेंथ वाली जगह से आपको यहाँ 3.5 ऐसे निशान लगाना है। दूसरा निशान लगेगा ऐसे, इंची टेप रखे 2.25 इंच पे, फिर इसको ऐसे लेके 2 इंच पे ऐसे रखना है, यहाँ निशान लगाना है, और इन निशानों को इस तरीके से क्रॉस क्रॉस कर लेंगे। और अब इन दोनों के बीच में ये जो निशान आप लगाओगे, इन तीनों की गैपिंग एक बराबर होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कटिंग करते करते। इसी तरीके से आप इस निशान से 3.5 पे एक निशान और लगा लें। अब यहाँ पे राउंड फिगर में मैं आपको 42 साइज के हिसाब से कटिंग दिखा रहा हूँ, तो 42 का एक चौथाई नाप जो होता है वो होता है 10.5। तो इस निशान से 10.5 आप यहाँ पर रख लेंगे। दूसरा निशान दोस्तों ये अब जो लगाने वाला हूँ, जो आपका 6.5 इंच पे आता है, इसे आर्मोल लेंथ कहते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे अब अपना फ्रंट। तो इसमें दोस्तों जो आपका फ्रंट आएगा, या तो आप इसके अंदर जैसे 41 है तो आप 0.5 रख लें, लेकिन अगर आपका 42 है साइज, तो यहाँ पर आप 6 इंच का इस तरीके से निशान लगा लें, ठीक है। ये निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है अपने साइज वाले हिस्से से, ठीक है। ये निशान इस तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग वाली वीडियो हम दे चुके हैं, उसमें हमने बताया है कि प्लेट डालने के बाद किस तरीके से कमर का नाप रखा जाता है, तो कमर का नाप बिल्कुल सीधा होता है। फिर हम इसे इस तरीके से ये निशान भी लगा लेंगे, यानी कि हम जितना एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करते हैं। अब ये निशान लगने के बाद फ्रंट का भी लग गया, अब हम लगाएंगे दोस्तों तीरे का। तो तीरे को आप थोड़ा समझ लीजिए,
बहुत आसान है। तीरा जैसे 15 इंच है, तो जैसे कि आपका मान लो तीरा, ये हो गया तीरा, 15 इंच का आपका तीरा है, इसके अंदर आप माइनस करोगे 2 इंच, तो आपका बराबर में आएगा 13। 13 को भाग करोगे 2 से, तो यहाँ पर आपका बराबर में आएगा 6.5। अब 6.5 आपको ये हिस्सा जो ऊपर निशान लगाते हैं हम, ये होता है तीरा। यहाँ पे आपको इस निशान से 6.5 पे निशान लगाना है। किस में लगाना है? ये बैक गला 5 इंच में आपका ये आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 इंच, और यहाँ पे लिख दिया हमने 6.5। 5 इंच बैक गले में आपका 6.5 आएगा, क्योंकि मैं ये जो कटिंग आपको सिखा रहा हूँ बैक गला 5 के हिसाब से सिखा रहा हूँ। मेरी जितनी भी कटिंग है दोस्तों, हर कटिंग में मैं इसी तरीके से सिखा रहा हूँ, एक जैसा सेम सब प्रोसेस होता है। ये कटिंग आपको बार बार इसलिए दिखाई जा रही है हर साइज के अनुसार, कि अगर मान लो आपको 41-42 साइज का ही पीस बनाना है, तो ज़रूरत नहीं है आपको 30-31 साइज का देखने का, 35 का, सीधा 41-42 वाली लिख के आगे जा रहा बुटीक लिखो, इस वीडियो को देख के कटिंग कर लो, बहुत इजी है। इसलिए आपको हर साइज के हिसाब से कटिंग दिखाई जा रही है। फिर आपको यहाँ पे जो ब्रॉडनेस लेनी है वो लेनी है यहाँ से 3 इंच, इस तरीके से आपको 3 इंच ब्रॉडनेस लेनी है। यहाँ पे एक पैर डाउन कर देंगे, निशान लगा दिए। अब देखिए कैसे क्या करना पड़ेगा, आपको फुट्टा यहाँ से नीचे वाले निशान तक मिलाना है, ये निशान लग गया। अब यहाँ पे आपको आर्म होल की शेप दे देनी, जैसे मैं अब शेप दे रहा हूँ हल्का हल्का, मेरा हाथ बीच में अड़ेगा भी, ये देखिए हटा के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो साइड है इसको ऐसे डाउन करके ये निशान ऐसे लगाना है, फिर इस निशान को इस निशान से मिला के ऐसे एक निशान लगा लेंगे सीधा, इसको हम ऐसे डाउन करेंगे थोड़ा सा, इधर वाले निशान को भी हम डाउन करेंगे थोड़ा, इसको हम आर्म होल में ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये निशान आपका लग चुका। अब दोस्तों यहाँ होगी कटिंग, तो कटिंग के लिए देखिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, चाहे ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से। तो हम ऊपर से कटिंग करते हैं, सीधी कटिंग, फिर करेंगे डाउन कटिंग। डाउन कटिंग करने के बाद आपको इस तरीके से निशान पे यहाँ पे कटिंग करते हुए ऐसे लेके आना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ आएँ, नीचे की तरफ करने के बाद आने के बाद ना यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कटिंग करके इसको पूरा यहाँ पे हटा लेंगे फालतू मार्जिन को। तो जब दोस्तों आप यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे, अब देखिए आपको पहला कट ये लगाना है, जहाँ जहाँ मैं कट लगा रहा हूँ ब्लाउज में कट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल भी मत भूलना आप। तो ये कट आपको इस तरीके से, एक दूसरा कट यहाँ पर आएगा, तीसरा आपका इस प्लेट का आएगा, चौथा आपका गले का ब्रॉड का आएगा, पाँचवा आपका यहाँ पर आएगा, और छठा आपका ये वाला आएगा। ये सब कट लगाने के बाद अब कैंची को आपको ऐसे रखना है बंद करके, और इस जगह पे थोड़ा प्रेस करना है, और इस हिसाब से करें कि कई जगह ज़्यादा जान लगा के काट देते हैं, कपड़ा नहीं कटना चाहिए, एक निशान उठाना है, ठीक है। तो हल्का सा इस तरीके से करें, तो ये देखिए मैंने हल्का ऐसे रखा है, ये नहीं कि ऐसे खड़ा खड़ा करें तो कपड़ा कट सकता है। तो आपको ऐसे निशान लगाने के बाद जब इसे ऐसे पलटेंगे तो शायद आपको नज़र ना आता हो कैमरे के अंदर, लेकिन हल्का हल्का सा उठा उठा नज़र जो आ रहा है ये प्लेट के निशान है। मैं पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ, ये देखिए सब निशान यहाँ पे लग गए। अब इसको जो हमने कट लगाए, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसे कट पे इस तरीके से निशान लगा लो। मैं आपको हर ब्लाउज में इस तरीके से निशान लगा के दिखाता हूँ, और दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है निशान लगाना, इससे आप प्लेट डालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। हम तो नहीं डालते हैं, हम तो डॉट से काम चला लेते हैं, लेकिन ये आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको ऐसे डॉट लगा लेनी है। तो ये आपका फ्रंट कटिंग हो गया, अब इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद दोस्तों जो ये वाला हिस्सा बचता है, तो देखिए इसको आपको ऐसे पकड़ना है और यूं घुमा लेना है, और इसको ऐसे रखने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और इस पर हल्की हल्की प्रेस लगाएंगे जिससे कि सेंटर क्रीज बन जाए। ये आपका बैक कटिंग होगा, क्योंकि फ्रंट ओपन वाला है हमारा, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि आप बैक ओपन वाला बताओ, दोस्तों पहले अभी साइज कंप्लीट होने दो, आपको हर तरीके की ब्लाउज की कटिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसको इस तरीके से मिला के आपको रखना है, और ये जो वाइट निशान लगाया हमने, इस निशान से आपको कपड़े को मिलाना है, और ये फालतू कपड़ा जो है निकालना है बाहर की तरफ। नीचे तक सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ दोस्तों, ये सेम कपड़ा है, नज़र नहीं आता, ये हमने फ्रंट कटिंग करा था, ठीक है, फ्रंट कटिंग करा था। मैं जो बैक कटिंग करूँगा तो आप देख पाएंगे कि कितना एक्स्ट्रा मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपको इस तरीके से कटिंग करते हुए आना है, फिर यहाँ पर डाउन कर देना है। डाउन करने का जब इसे ऐसे कटिंग करेंगे तो ये तो आपका कपड़ा बच जाएगा, जो आप किसी खर्चे में यूज़ कर सकते हो। अब इस वाले हिस्से को आपको ऐसे कटिंग करना है, और तकरीबन यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से करते करते यहाँ पर आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों अब इसे इस तरीके से बराबर से कटिंग कर लेना है, नीचे तक यहाँ पर कटिंग हो गई। अब इस हिस्से को नीचे तक भी इक्वल कटिंग कर लेना है,
कटिंग करने के बाद इस हिस्से को हम ऐसे खिसका लेते हैं, ये ऐसा जो बचेगा ये भी थोड़ा काम में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ही ब्रॉड का कट लगा लेते हैं, साइज का लगाना है तो लगा लो, वरना ज़रूरत नहीं होती इसकी। अब कैंची को बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से प्रेस कर देंगे, यहाँ भी प्रेस कर देंगे। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब एक चीज़ और समझ लो, हम सबसे पहले प्रेस कर दिया वो तो हमारा निशान उठ गया नीचे, ये जो प्लेट कभी भी तिरछी डलेगी तो यहाँ पर आपकी प्लेट का जो मार्जिन होता है वो इस तरीके से जाता है। ठीक है, एक पैर का तो टोटल में आधा इंच कम हो जाता है, तो आपको बैक पल्ला जो है इस तरीके से हटा के टोटल आधा इंच में आपको ये कटिंग करना पड़ेगा, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ये आप कटिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा आपको, जब आप अपना फ्रंट की साइड जोड़ोगे तो फ्रंट वाला पल्ला जो आपका बड़ा आएगा, मतलब छोटा आ जाएगा। तो आप हमेशा इस तरीके से कटिंग कर देना, बैक जब आप इसे प्लेट डालोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका साइज एकदम बैठ के आएगा। इसलिए हम बैक पल्ला जो है आधा इंच छोटा करके काटते हैं, जिसमें हम तिरछी प्लेट डालते हैं, और जिसमें तिरछी प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है तो आप ये बैक पल्ला एक बराबर नहीं काटोगे, यानी कि बल्ले को एक बराबर रखोगे आप कटिंग नहीं करोगे। तो ये तो आपकी कटिंग हो गई। अब यहाँ पर आपका जो हमने निशान लगाया था, ये देखिए निशान उठ के आ गया। यहाँ पर भी दोस्तों आप बिल्कुल सेम इधर हम कट लगा लेते हैं, और ये वाला निशान दूसरी तरफ भी आ गया होगा बैक में, ये देखिए हमने यहाँ भी निशान लगा लिया। तो दोस्तों ये बैक गला 5 के हिसाब से अभी तक आपका जो है मैंने कटिंग करके ब्लाउज दिखा दिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसे भी नोट करें, जैसे कि आपको मालूम है बेल्ट ब्लाउज की कटिंग में दिखा चुका हूँ, तो इसके अंदर हमने लेंथ हमारी 15 थी तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज होगा तो हमें एक इंच और प्लस कर लेना है, यानी 16.5 कर लेना है, और इसके अंदर जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई होगी दोस्तों वो 3 इंच की रखेंगे हम। ठीक है, 3 होगी तो हम 3.5 पे निशान लगा के इस तरीके से तिरछा करके कटिंग कर लेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बेल्ट ब्लाउज की वीडियो देख सकते हो, आई लिंक पे क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे फोल्ड करके इसे अभी हटा देता हूँ। अब मैं आपको बाजू कटिंग करके दिखाता हूँ। तो बाजू कटिंग बहुत ईजी है दोस्तों, आपको ये ऐसे रखना है, और रखने के बाद अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाऊँगा, उसे अच्छी तरह देखेंगे। तो पहले इस पर ध्यान ना रख के इस पर देखें, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हो गया एक बराबर फोल्ड। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इस पर हल्की हल्की प्रेस भी हम लगा लें, जिससे कि एक फिनिशिंग आ जाती है, जो कि आपको मैंने बताया प्रेस लगाते रहें। उसके बाद आपको ये फुट्टा लेना है, फुट्टा लेने के बाद एक निशान आपको ऐसे लगाना है, एक निशान जितना तुरपाई के लिए फोल्ड चाहिए। ठीक है, ये निशान लगने का, अगर किसी को चाहिए पाइपिंग तो आप इसे इतना कटिंग कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद ये बाजू जो बाइसेप्स आर्मोल हमने 14 इंच आपको बताया है तो वो ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों। अब इसमें आपको प्लस करना है 2 प्लस 2 करेंगे बराबर में हो जाएगा 16 में दोस्तों भाग करेंगे 2 जगह वो हो जाएगा आपका 8 इंच। तो ये 8 इंच आपको कहाँ रखना है वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो निशान है जैसे 5 इंच की लंबाई है, ठीक है, तो 5 इंच की बाजू की लंबाई तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान लगेगा हमारा 3.5 पे, इसे हम कहते हैं बाजू आर्मोल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सीधे फुटिंग की मदद से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 8 इंच रखना है, जो हमने 3.5 पे लिया है ना, यहाँ पे हमें रखना है 8 इंच। इस तरीके से 8 इंच ऐसे रख लें, ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम अपना मोहरी का निशान रख लेंगे, जो 13 है उसका आधा 6.5, और इन दोनों निशानों को लगाने के बाद फुट्टा ऐसे रखना है तिरछे में, और ये इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लग चुका, अब दोस्तों इसको एक बराबर ऐसे निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। दोस्तों ये बिगनर के लिए होता है, वरना आप अगर परफेक्ट हो, काफ़ी टाइम से कटिंग कर रहे हो, तो आप नॉर्मल भी बाजू को कटिंग कर सकते हो। तरीका यही होता है, और हमेशा इसके हिसाब से ही बाजू कटिंग होती है, कोई साइज़ के अनुसार नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा इसका नाप लेके बाजू कटिंग करें, कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिटिंग के अंदर, और आप इसे ऐसे कटिंग कर लें। अगर आपको यहाँ का मार्जिन कम लग रहा है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा, आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद ऊपर भी आप इसे कटिंग कर लो। कटिंग करने के बाद आप इसे ऐसे कट करोगे, सेंटर में कट कर लिया, साइड में कट कर लिया, इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे बाजू को। तो ये डबल बाजू है। अब यहाँ पे दोस्तों हम निशान लगाएंगे, ये दोस्तों हमारा होता है फ्रंट। ठीक है, तकरीबन 1 इंच के आसपास हमें छाटना होता है, ये आपका 1 इंच के आसपास मार्जिन है, तो हम इसे ऐसे गोलाई में अच्छी तरह करते हुए 1 इंच इस तरीके से छाटते हुए यहाँ पर हम मिला देंगे। तो दोस्तों ये आपका बाजू का जो है मुड्ढा कटिंग हो चुका। तो दोस्तों बाजू आपको कटिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं दूसरा जो ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगा अभी मैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अलग तरीके से, तो बाजू हमेशा ऐसे ही कटिंग होगी। तो ये तो दोस्तों आपको बाजू कटिंग करके बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, जो कि है नेक डीप के हिसाब से किस तरीके से हम तीरा रखेंगे। तो ये बैक गला 5 में हमने 6.5 रखा है। अब मैं यहाँ पर सारे गले लिख लेता हूँ, और उसके बाद अपने फ्रंट और बैक पल्ले को भी सही से बिछा लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने जो फ्रंट और बैक कटिंग करा था बिल्कुल सेम उसी
हिसाब से हमने बिल्कुल बिछा रखा है। अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आपको बैक गले डीप के हिसाब से तीरा सेट करना होता है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ आप समझ लें, जो ये होता है फ्रंट 6 इंच, ये आपका कभी भी कम नहीं होता, यानी कि ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये कभी भी नहीं लेगा। अब ये जो आर्मोर लेंथ है, तो ये आर्मोर लेंथ का आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने 6.5 पे लिया है, लेकिन अगर आपका आर्मोर लेंथ का बैक गला 9 या 10 है, तो आपको उस जगह पे आर्मोर लेंथ को 6.25 कर लेना है। सिर्फ आर्मोर लेंथ में इतनी चेंजेस होगी। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ बैक गला 5 के बाद, जैसे जैसे आप फार्मूले देख सकते हो कि 6 में आपको 6.25 तीरा रखना है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ठीक है, 6.25 तीरा रखना है, ठीक है। जैसे बैक गला 7 हो जाएगा डीप आपका, आपको 6 रख देना है। बैक गला 8 हो जाएगा, एक पैर कम करके 5.25 कर लेना है। बैक गला 9 होगा, 5.5 कर लेना है, और 10 में भी 5.5 करेंगे। और कोई अगर 11-12 भी पहनता है ना, तो दोस्तों 5.5 से ज़्यादा 5.25 कर लें, ज़्यादा कम भी तीरा ना करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको कम करते हुए आना है, और मैंने यहाँ फार्मूले लिख दिए, आप अच्छी तरह देख सकते हो। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, लेकिन आप, मैं बोल भी रहा हूँ मुँह से, तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने सारे दिखा दिए। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बैक गला अगर आपका 6 इंच है, तो इसे किस तरीके से कटिंग करेंगे, और ये तो आपको पहले फार्मूले लिख लेने हैं, उसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे हमेशा। जैसे बैक गला आपका तीरा, जितना भी तीरा मैंने 15 लिखा, उसमें से 2 घटाया, 13 हो गया, 13 में भाग करा 2, 6.5 हो गया। ये बैक गला 5 के हिसाब से मैंने कटिंग दिखा दी। आपको हमेशा 5 गले के हिसाब से फार्मूला निकालना है। उसके बाद एक एक पैर कम कर, जैसे आपका गला डीप है 8 इंच, ठीक है, तो आपको 8 इंच के हिसाब से कम करते हुए देख लेना है कितना नाप आ रहा है, उसी हिसाब से वो निशान लगा के वहाँ कटिंग कर लें। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है, और ये आपको थोड़ी दिक्कत देगा जब तक आप बिगनर हो, नई नई कटिंग कर रहे हो, लेकिन आप जैसे जैसे परफेक्ट होते जाओगे, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अंदाजे से काम कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बैक गला मान लो 7 इंच है, तो मैंने 5 के हिसाब से आपको बता दिया, अब 7 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 7 में हमारा तीरा है 6 इंच, तो आपको तीरा इस तरीके से 6 इंच निशान से रखना है, और यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये तीरा 6 इंच हो गया, नीचे निशान तक आपको इसी तरीके से मिला लेना है, और यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम कैंची के हिसाब से, क्योंकि निशान ज़्यादा हो जाएगा, मैं कैंची से घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए आपको इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है, कटिंग करते हुए आप इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला लें। तो ये आपका फ्रंट कट चुका। अब बैक कटिंग करने के लिए आप इसको इस तरीके से तिरछे में कटिंग करके ऐसे, और यहाँ पर दोस्तों मिला दें। दोस्तों ये जो 1/2 इंच का कपड़ा कटिंग हुआ है ना, ये आपका झोल दिखता है। अब ये कटिंग करने के बाद आपका तीरा नहीं गिरेगा। ये आपका बैक गला 7 के हिसाब से हो गया, लेकिन इसी जगह पे अगर आपका बैक गला 10 है, 10 में जैसे 5.5 है, तो आपको 5.5 पे ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है, और नीचे वाले निशान पे मिला के ऐसे तिरछे में करके अब दोस्तों इसे भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाके दोस्तों मिला देना। फ्रंट आपका कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इसे भी इस तरीके से तिरछे में कटिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर आप इसे इतना छांट दें, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आपका बैक गला 10 इंच में हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फार्मूले जितने लिखे हैं आप इसे नोट कर लें, यह आपके काफ़ी काम आएगा। अब जो मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ, ठीक है, ये तो आपको मैंने बैक गला 5 से 10-11 तक बता दिया। अब अगर आपका बैक गला, बैक नेक, जैसे 0 से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैक नेक, ठीक है, BN लिख दिया, 0 से 4.5 इंच अगर आपका गला है, तो कितना तीरा कैसे कटिंग होगा। और अगर आपका यहाँ पर बोट नेक है, जैसे बोट नेक भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आपका कैसे कटिंग होगा। और कॉलर नेक है, तो कैसे कटिंग करेंगे। तो ये तीनों की कटिंग दोस्तों अब जो मैं आपको करके दिखाऊंगा बिल्कुल सेम है, लेकिन उससे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने ब्लाउज को बिछाया था, बिल्कुल सेम ब्लाउज बिछाने के बाद हम सारे निशान लगा लेंगे, सिर्फ आर्मो लेंथ का निशान नहीं लगाएंगे, बाकी ये प्लेट व्लेट सबका निशान लगा लेंगे। सेम तरीका है लगाने का, सिर्फ आर्मो लेंथ में थोड़ा फर्क होगा, तीरे में फर्क होगा। तो हम यहाँ पे ये निशान सीधा लगा लेंगे, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आप उसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने नीचे के तो सारे निशान लगा लिए हैं। मेन इसके अंदर होता है आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्मो लेंथ। तो दोस्तों इस साइज के अंदर जो कि आपका साइज है 41-42, ठीक है, 41-42, तो 41-42 में आपकी जो आर्मोर लेंथ आएगी, ठीक है, वैसे हमने 6.5 लिया था, इसमें आपकी आर्मोर लेंथ आएगी 7.5 इंच। इस तरीके से आपको 7.5 पे निशान लगाना है, और ये निशान लगाने के बाद आपको ये सीधा कर लेना फुट्टे की मदद से। और फिर आपका 42 साइज है, तो आपको इस तरीके से 10.5 पे निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद इसको हम बिल्कुल सेम कमर के हिसाब से नीचे तक ये निशान हमारा लगा लेंगे। ये आपका पूरा निशान हो गया। अब मेन इसमें आता है दोस्तों आपका तीरा। तो इसमें जैसे हमारा तीरा हमने आपको बताया 15 इंच है, ठीक है, तो 15 है, तो ये जो आपकी 7.5 पे लेंथ है ना, यहाँ पे आपको 15 का आधा 7.5 इस तरीके से आपको रखना है।
अब दोस्तों फ्रंट की बात आती है, तो फ्रंट दोस्तों इसके अंदर आपको 6 है तो 6 ही रखना है, ये फ्रंट आपको कम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ आप ऊपर तीरे के ऊपर, तो तीरा जैसे 15 है तो 15 में आप प्लस करोगे आधा इंच, ओनली आधा इंच, तो आपका ये हो जाएगा 15.5। 15.5 का आधा दोस्तों आपका यहाँ से आप 7.25 होगा, तो हम 7.25 पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम ब्रॉडनेस को आप 3 इंच इस तरीके से निशान लगा लें, यहाँ से आपको आधा इंच इंची टेप से आपके निशान लगा लेना है, और फिर आप यहाँ पे इसे ब्रॉड से आधा इंच डाउन कर देंगे। इसको आप दोनों निशानों पे इस तरीके से मिला लेंगे सीधा फुट्टा रखने के बाद, जैसे मैं रख रहा हूँ, और रखने का दोस्तों इसको हम सेव दे देंगे एक, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ सेव। और दोस्तों जो आपको आर्म लेंथ मैंने यहाँ बताई है 7.5 इंच, तो आप यहाँ पे 7.25 भी कर सकते हो, क्योंकि मुड्ढा कभी भी आपका ब्लाउज से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7.25 पे रखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये छोटा पड़ रहा है चढ़ाने में, तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से छाट सकते हो सिलाई लगाने के बाद भी, तो ये चीज़ आप हमेशा पहले कर लिया करें, इससे आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये भी परफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। और अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद दोस्तों अब मैं इसे करता हूँ कटिंग। तो पहले ये वाला निशान हम इस आर्म होल में ऐसे लेके ये निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इससे हम कटिंग करते हैं, चाहे नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इसे इस बार, ठीक है। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, डाउन करते हैं, फिर बैक वाले पल्ले को, बैक वाला हिस्सा ही पहले कटिंग करना है हमेशा, ठीक है। फ्रंट कभी भी काटना नहीं है इसके अंदर, और फिर इस निशान पर इसे कटिंग कर लेंगे। निशान पे कटिंग करने का दोस्तों अब इसके अंदर मैं आपको नहीं दिखा रहा कि वीडियो ज़्यादा लेंथ ना बढ़ जाए, बिल्कुल सेम वैसे निशान लगा लेना बैक साइड में, जहाँ जहाँ कट लगानी जरूरत है वहाँ वहाँ कट लगा लेना है। अब जब ये सब कर लोगे आप, तो इसे इस तरीके से उठाना है और इसको ऐसे रख देना है जैसे हमने रखा है, और रखने के बाद इसको आपको ऐसे उठाना है और इस तरीके से, ये देखिए मैं थोड़ा उधर और खिसका लेता हूँ, काउंटर की जगह कम है थोड़ी, तो ये देखिए ऐसे उठाने के बाद अब आपको ये जो जगह है इसे इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे बराबर मिला लेना, क्योंकि ब्लाउज के अंदर ना थोड़ा कपड़ा कम होता है, तो कोशिश करें जितना पूरा से पूरा थोड़ा भी बचे आधा इंच भी, वो भी बचाने की कोशिश करें। तो इसे देखिए आपको ऐसे मिला लेना है, इसमें मैंने बाजू नहीं दिखानी है कटिंग आपको, इसलिए मैंने कपड़ा नहीं लिया कि बाजू का, इसलिए इस तरीके से आपको मिलाना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको बिछा लेना है। ये आपका बिल्कुल इक्वल बिछ गया, अब इसको बिल्कुल एक बराबर सेम कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे अब कटिंग कर लेते हैं सेम, तो ये देखिए दोस्तों हमने बिल्कुल एक बराबर कटिंग कर लिया है। और अब इसके अंदर भी अगर आप ये वाली प्लेट डालोगे साइड में तिरछी, तो बैक वाला आपको आधा इंच फिर वैसी कटिंग करना पड़ेगा। अब इसे आपको इस तरीके से अलग हटा लेना है फ्रंट को, कपड़े के ऊपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो हमारा फ्रंट में निशान लगा है अब इसे हम कटिंग करेंगे, और ये आपको हमेशा बैक वाला कटिंग करने के बाद ही कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप आदत बना लो, कभी भी गलत पीस नहीं कटेगा। तो ये दोस्तों जो कटिंग मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उससे अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इस ये जो कटिंग है आपकी बैक नेक, अगर आपका 0 से 4.5 इंच तक का डीप हो तो ये वाली कटिंग होगी, बोट नेक होगा तो ये कटिंग होगी, कॉलर नेक होगा तो ये कटिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी, और जैसे गला आपका 5 इंच का हो जाता तो इससे पहले जो कटिंग दिखाई थी उस तरीके से कटिंग करेंगे। तो इसमें आपकी दो चीज़ें चेंज होती है, एक होती है आपकी आर्म होल लेंथ और एक होता है आपका तीरा, ठीक है, इसमें फ़र्क हो जाता है। अब चलिए दोस्तों ये तो आपको पूरा मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें आपको बोट नेक बनाना है तो हर साइज़ में जैसे बता रहा हूँ, तो इसके अंदर आप बोट नेक के लिए इस तरीके से आप 7.5 रख लो, और यहाँ से जो लेंथ लोगे वो 4 इंच पे रख लो, ठीक है। और इसे बुकरम पे इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लो, मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ, ये बुकरम पे आपको निशान लगा के कटिंग कर लेना है, ये बोट नेक की कटिंग हो जाएगी, जो कि आपको हर साइज़ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बोट नेक में आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कटिंग करते हो, मैंने जो यहाँ से डाउन करा है ना, आपको बोट नेक में यहाँ कटिंग करने के बाद फिर डाउन करेंगे कंधे की तरफ। तो दोस्तों ये कटिंग जो आपको मैंने सिखाई है, ये सिखाई है 41, 42 साइज़ में, और ये तीनों साइज़ में आपकी ऐसे कटिंग होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो समझने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी वो भी दोस्तों जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।